इतना जगह भर पानी था इस रोड पे। टेम्पो लगा रहे, आगे हम नहीं जा सकते हैं, टेम्पो पलट सकती है। अच्छा। 10 साल से नहीं बना है, आज बरसात में 6 महीना दिक्कत होता है, रेलवे के वजह से नहीं बन रहा है। सही बात, बिल्कुल। यूपी की सड़कें अच्छी हैं, बिहार की सड़कें नहीं अच्छी, फिलहाल यहाँ की सड़कें तो नहीं अच्छी है, बिल्कुल अच्छी। यहाँ के लोगों को कैसे मैनेज करना है ये उनको जाने, पता ही नहीं चलता है कहाँ कितना गड्ढा है। गोपालगंज माझा थाना क्षेत्र के 3 वर्षीय मासूम के साथ 2 दरिंदों ने हैवानियत की सतह पार कर दी। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पीड़िता को सदर अस्पताल में मेडिकल के लिए भर्ती कराया गया। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 3 साल की मासूम बच्ची को गांव के ही 2 युवकों ने मिठाई खिलाने के नाम पर झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की इस वारदात की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। माझागढ़ पुलिस के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ की जा रही है, जबकि पीड़िता को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दुष्कर्म की सूचना मिलते ही राजद पूर्व विधायक व प्रदेश महासचिव रियाजुल हक राजू सदर अस्पताल पहुंचे। पूर्व विधायक ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करे, गिरफ्तार नहीं होने पर राजद मामले को लेकर उग्र आंदोलन करेगा। जैसे कि लोगों ने बताया कि बच्ची 2-2.5 साल की होगी और खाजा के लालच में दे करके कुछ लड़के ले गए हैं, 2 लड़के, इसके सब बलात्कार। ये काफ़ी ही घटना, जितना घटिया कही उतना घटिया है, और मैं जिला प्रशासन को साथ ही साथ ये चेताता हूँ कि अगर अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं हुआ तो इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक उतरने का मौका।